लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौम्या सिंह, आपका अपने चैनल रेसिपियाना पर स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पाइसी एकदम क्रिस्पी स्नैक्स बनाने वाले हैं। ये स्नैक्स आलू का बनेगा और इसमें कई चीजें मिलेंगी, तब जाके ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होगा, यानी क्रिस्पी होगा और स्पाइसी होगा। तो फटाफट हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इस स्नैक्स का नाम आपको एकदम लास्ट में पता चलेगा कि ये क्या है। तो चलिए हम इसे बनाएंगे। और जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और कमेंट करके हमें नहीं बताया है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फटाफट इस स्नैक्स को बनाया जाए। मज़ेदार स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ मैंने उबला हुआ आलू लिया है, इसे मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और ये 2 कप है। आधा कप हम सूजी लेंगे, ये भुनी हुई सूजी है यानी रोस्टेड सूजी है। 1/3 कप हम लेंगे बेसन, 2 बड़े चम्मच हम कॉर्नफ्लावर लेंगे, थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया, थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग, अगर आपको ये नहीं मिल पा रहा है तो आप 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, नमक और पानी। तो सबसे पहले हम बाउल में आलू डालेंगे, अब सूजी डाल देते हैं और बेसन डाल देते हैं, कद्दूकस किया हुआ अदरक, धनिया, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और पिज़्ज़ा सीजनिंग। इसके बाद हम नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर पानी की ज़रूरत है तभी आपको इसमें पानी डालना है। तो यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच पानी डाला है, क्योंकि सूजी है वो हल्की से फूलेगी, अगर आलू में ज़्यादा नमी है तो आप इसमें बिल्कुल भी पानी ना डालें। तो अब इसे हम ढक कर रख देंगे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गया है और ये बिल्कुल तैयार है, पर अभी हमें इसमें मिलाना है कॉर्नफ्लावर, क्योंकि मैंने कॉर्नफ्लावर को पहले नहीं मिलाया था, इसको हमें मिलाना है सबसे आखिरी में। इससे जो हमारे स्नैक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। स्नैक्स बनाने से पहले सबसे पहले हम हाथ पे और चकले पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। अब हम छोटी सी लोई लेंगे जो मिक्सर था, और उसे लंबा कर लेंगे, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो फिंगर। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे किस तरह किया है, आपको इसी तरह इसे लंबा कर लेना है और इसे थोड़ा पतला रखना है। और अगर आप एकदम बराबर बनाना चाहते हैं तो इसी तरह इसे काटें। तो इसी तरह हम सभी स्नैक्स को बनाकर रेडी कर लेते हैं। आप चाहें तो छोटी छोटी लोई ले लें और उसे भी लंबा कर सकते हैं। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल को गरम कर लिया है और गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है। अब इसमें हम सभी स्नैक्स यानी पोटैटो फिंगर को डाल देंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर या लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। ये ध्यान रखें कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके ये जो फिंगर हैं यानी पोटैटो फिंगर हैं वो बहुत ही जल्दी लाल हो जाएंगे और ये बिल्कुल भी क्रिस्पी और क्रंची नहीं रहेंगे। तो इन्हें आप बीच बीच में चलाते रहें और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। तो यहाँ जो पोटैटो फिंगर हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये स्नैक्स कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बनकर तैयार हुआ। आप इसे चाय के साथ या कोई पार्टी है या बच्चों को कुछ नया खिलाना है तब आप इसे बना कर और सबको खिला सकते हैं। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। थैंक यू।